नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें, दौसा जिले में CDEO पद पर ओम प्रकाश शर्मा ने अपना कार्य ग्रहण किया। दौसा जिले में राजस्थान अरस्तु शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष NR बालोद, कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह उमरवाल के नेतृत्व में संघ ने माला व साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। इस दौरान CDEO ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत किया जाए, सभी संगठनों को साथ लेकर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने स्वागत कर विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह कालेड़ा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रसादी लाल सैनी, CBEO MIS हेतराम सैनी, रत्ती राम सोडाला, जगदीश प्रसाद गुर्जर, राय सिंह गुर्जर, धर्मराज शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, सहायक प्रशासक अधिकारी RK बैसला, सत्यनारायण शर्मा, सुरेश स्वर्णकार, पूर्व प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस खबर पर 27 देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।